हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। संबंधित इकाई में ही आवेदन करेंगे डीएलएड सीटेट अभ्यर्थी। पंचायतों के लिए भी प्रखंड संसाधन केंद्र पर दे सकते हैं आवेदन। रिक्ति पहले की मगर बदल जाएगा मेधा सूची का समीकरण। निबंधित डाक के साथ ही हाथों हाथ भी आवेदन कर सकते हैं अभ्यर्थी। नियोजन इकाई को मिला फिर से रिक्ति सार्वजनिक करने का आदेश। 1000 से अधिक डीएलएड अभ्यर्थियों के बहाली प्रक्रिया में शामिल होने की संभावना। जिले के प्रखंड और पंचायत नियोजन इकाई में डीएलएड सीटें पास अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। मुजफ्फरपुर हिंदुस्तान का न्यूज है ये। आज 10 जून है, 10 जून का। अभ्यर्थी जिस नियोजन इकाई में आवेदन करना चाहते हैं वहां निबंधित डाक या हाथों हाथ भी आवेदन कर सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षक बहाली की नई तिथि जारी करने के बाद अब डीएलएड अभ्यर्थियों के आवेदन के आधार पर सभी नियोजन इकाइयों में संशोधित मेधा सूची जारी की जाएगी। डीएलएड अभ्यर्थियों के आवेदन के आधार पर मेधा सूची बदलेगी। डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने प्रखंड नगर पंचायत नगर निगम के साथ ही सभी पंचायत नियोजन इकाइयों को इस संबंध में निर्देश दिया है। सभी नियोजन इकाई अपने यहाँ रिक्ति को सार्वजनिक करेंगे। एनआईसी के वेबसाइट पर भी रिक्ति डाली जाएगी। डीईओ ने कहा कि अभ्यर्थियों को विभिन्न विषय में रिक्ति को लेकर परेशानी हो रही है, इसलिए विभाग ने रिक्ति सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। बदले की मेधा सूची। निबंधित डाक के साथ ही हाथों हाथ भी आवेदन जमा कर सकते हैं अभ्यर्थी। नियोजन इकाइयों को मिला फिर से रिक्ति सार्वजनिक करने का आदेश। रिक्ति पहले की मगर बदल जाएगा मेधा सूची का समीकरण। डीओ ने कहा कि अगर एनआईयूएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी 2019 की बहाली के लिए निर्धारित रिक्ति पर आवेदन करेंगे, उन्हें आरक्षण और रोस्टर का पालन कराना होगा। सभी विषयों में नए आवेदन के आधार पर अब मेधा सूची बदल जाएगी। इन अभ्यर्थियों के आवेदन का अलग रजिस्टर में संधारण किया जाएगा। डीओ ने कहा कि प्रारंभिक के 4500 पद पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है। अब डीएलएड के 1000 से अधिक अभ्यर्थियों को इसमें शामिल होने की संभावना है। सभी प्रक्रिया विषयवार पहले की तरह ही होगी। पंचायत नियोजन इकाई के लिए भी अभ्यर्थी प्रखंड संसाधन केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सभी बीईओ को व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। पंचायत नियोजन इकाई में पंचायत सचिव को जवाबदेही मिली है।